यार किचन बंद कर दो प्लीज। करो बेटा। ये बात कहाँ की कहाँ से आवाज आ रही है? कहाँ है भाई? कौन बजा दरवाजा रहा है? खोलो, बातें खाना है। अरे यहाँ पे क्या हो रहा था? ओ भाई भाई, आज हो गई जाने। लाइट्स खोलो। तुम ये अकेले कमरे में ये कर रहे हो हैं? बंदर डांस? अरे अच्छा खाना खा लो पहले। वाह खाना खा लो। टूट जाए जाएंगे बाल बनाओ अपने। घी तो रोटी थोड़ी पराठा है बेटा। रोटी बनाती ना यार। ये बात देखो नहीं करो, जल्दी खा लो। ये बात रोटी। तंग कर रहे हो रोटी। जल्दी खा लो प्लीज जल्दी। ये बात जल्दी 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 थोड़ा सा क्या करूं मैं इसका? तो यहाँ पर ही बात हो गया था खूब सारी मस्तियाँ कर कर। और जहांगीर से मैंने हरी मिर्चें मंगवाई थी, तो मेरे साथ हमेशा यही होता है कि जब भी मैं कुछ सामान लेने जाती हूँ या इनसे मंगवाती हूँ अपने हस्बैंड से, तो कुछ ना कुछ सामान छोटा मोटा जो है ना मेरा रह ही जाता है। तो बाद में मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे कहते हैं कि तुम्हारे साथ क्या मसला है, तुम कोई लिस्ट बना दिया करो, मुझे लिख के दे दिया करो। लेकिन यही है ना कि हम जैसी जो छोटे बच्चों की माँ है ना कुछ हमारे ज़िंदगी में डिसबैलेंस जो है ना कहानियाँ चलती हैं। मैं कितना भी, वैसे तो मेरी कोशिश होती है कि मैं हर चीज़ को मैनेज करके चलूँ, लेकिन फिर भी इंसान हूँ, थक जाती हूँ, घर के इतने काम होते हैं, तो कभी कभार जो है ना इस तरह की जो है ना सिचुएशंस मेरे साथ भी हो जाती हैं। तो आज बस मैं मज़ेदार सी बना रही हूँ मैक्रोनी। तो गैस क्योंकि आ नहीं रही है और गैस की प्रॉब्लम जो है आप लोग सकती है, तो स्टार्ट करते हैं अपना खाना बनाने। और पीछे जो है ना आप लोग देख रहे हो कि मैक्रोनी का सामान वगैरह ये रखा हुआ है। तो आज मैं बनाऊंगी मैक्रोनी खाने में, क्योंकि कुछ दिल ही नहीं कर रहा था इतना ज़्यादा हैवी खाने का, क्योंकि अभी काफ़ी दिन से ना एक वो कोरमा बना लिया था, फिर उसकी बदावत चली, तो वो बिरयानी पुलाव कोरमे शोरमे जो ना खा खा के बस रोटी चावल का दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा क्या सिंपल सी मैक्रोनी बनाती हूँ और फिर बाकी देखते हैं अल्लाह मालिक के। मेरे हस्बैंड क्योंकि मैक्रोनी स्पैगेटी ज़्यादा शौक से नहीं खाते, तो फिर मुझे कुछ ना कुछ और जो है ना इनके लिए बनाना पड़ता है। तो सोच तो मैं रही हूँ कि इनके लिए कढ़ाई बना दूँगी और बच्चों के लिए और अपने लिए मैक्रोनी बनाऊँगी। तो जहांगीर भी क्योंकि अभी ट्यूशन चला जाएगा तो वो भी ले जाएगा, क्योंकि अभी जहांगीर के जो है ना थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगने लगा है ट्यूशन में, क्योंकि स्कूल ऑफ हो चुके हैं हमारी तरफ, तो ट्यूशन में जो है ना उसको ज़्यादा टाइम लगता है। अब मैंने स्टार्ट कर दिया मैक्रोनी बनाना और आज सिंपल बहुत तरीके से, बहुत आसान तरीके से मैं बना रही थी। तो सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई के अंदर, और इस कढ़ाई का आप लोग बार बार पूछ रहे हैं, मैंने आपको पहले प्रीवियस व्लॉग में बता चुकी हूँ कि ये कढ़ाई जो है वो डोमेस्टिक कंपनी की है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा मेरा वो व्लॉग तो मैं आपको बता देती हूँ दोबारा से कि डोमेस्टिक कंपनी की है। आप किसी भी अच्छी शॉप से अगर उनको नाम लेके लेंगे तो वो मिल जाएगी आपको। तो अच्छा जी, मैंने यहाँ पर जो ना ऑयल डाल दिया था, तकरीबन हाफ प्याली डाला था, क्योंकि मैक्रोनी या स्पैगेटी में ऑयल ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, और मैं अंदाज़े से डालती हूँ, मैं कोई नाप तोल के नहीं डालती ऑयल वगैरह। तो आधी प्याली मैंने तकरीबन ऑयल डाला, उसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था एक एक चम्मच भर के, और चिकन बोनलेस था मेरे पास। मेरे पास वैसे पूरा जो है ना चेस्ट का चिकन का जो है ना पूरा एक पीस पड़ा हुआ था, तो मैंने खुद ही कटिंग करी है इसकी, तो ये बोनलेस है। और आज मैं पैकेट वाले मसाले से बना रही हूँ, आज मेरा कोई मूड नहीं हो रहा ना कोई इतना लंबा चौड़ा मेन्यू तैयार करने का, तो मैंने बस झटपट से टिक्का मैक्रोनी का मसाला जो है ना मैंने इसमें ऐड करा। और इसमें मैंने शामिल कर दिए दो टमाटर मीडियम साइज़ के, क्यूब फॉर्म में मैंने इसको काट लिए थे, और मैंने इसको ढककर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए रख दिया। 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसलिए रखा है ताकि जो ये टमाटर है ना इसका जो है वो अच्छे तरीके से गल जाएँ। अच्छा, मैक्रोनी और स्पैगेटी की मैं आप लोगों को डिटेलिंग जो है ना रेसिपी दे चुकी हूँ अपने पिछले ब्लॉग्स में,
तो आज बस मैं आपको झटपट मैक्रोनी सिखा रही हूँ, क्योंकि पैकेट वाला भी ये नहीं होता कि पैकेट का खाना हर कोई बहुत आसानी से बना लेता है। पैकेट वाला खाना बनाने के लिए भी जो है ना तरीके से चलती है हर चीज़, और पैकेट वाला खाना बनाने के लिए भी आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। अच्छा, 2-3 मिनट के बाद मैंने जब यहाँ पर देखा तो टमाटर मेरे तकरीबन गल चुके थे। अब इसमें मैं इसका कवर हटाने के बाद इसमें डाल रही हूँ सोया सॉस। थोड़ा सा मैं सोया सॉस डालूंगी और थोड़ा सा मैं साथ ही साथ जो है ना इसमें सिरका ऐड कर दूंगी, और मसाले को मैं मुसलसल हिला रही हूँ हल्का हल्का सा। आप इसमें पानी भी डाल दें ताकि मसाला जले नहीं। तो हल्का सा मैं इसमें सिरका भी ऐड कर रही हूँ, चाहें तो आप इसमें थोड़ी सी शुगर भी ऐड कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है। अगर आप लोगों को नहीं करनी तो नहीं करें। और साथ में यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ टमाटो केचप, और बिल्कुल लास्ट में मैं जो है ना मैक्रोनी डालने के बाद थोड़ा सा इसमें ऑरिगेनो जो है ना शामिल करूँगी खुशबू के लिए और टेस्ट के लिए। तो इससे बहुत अच्छी सी जो है ना खुशबू आ जाती है, बिल्कुल चाइनीज़ रेस्टोरेंट जैसी लगती है। और साथ में मैंने वेजिटेबल्स सिर्फ 2 इस्तेमाल कर रही हूँ, शिमला मिर्ची और पत्तों वाली प्याज है। अगर आप बंद गोभी या गाजर वगैरह डालना चाहते हैं तो डाल दें, मगर मेरे बच्चे थोड़े से नखरे दिखाते हैं तो इसलिए मैं नहीं डालती। अब सब्ज़ी डालने के बाद जो है ना ओवर कुक नहीं करनी है हमें, और हमें जल्दी से इसमें मैक्रोनी ऐड कर देनी है। मैक्रोनी मैंने पहले ही बॉयल करके एक तरफ रख दी थी और उसको ठंडे पानी से एक बार निकाल लिया था। तो हमेशा जब भी इस पैकेट या मैक्रोनी बनाए तो उसको ठंडे पानी से ज़रूर निकालें, वरना जो है ना एक घुटले से बन जाते हैं उसके, और आपकी मैक्रोनी और जो स्पैगेटी है वो पूरी बर्बाद हो सकती है। तो एक छोटी सी टिप थी जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ, क्योंकि मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम जब ट्राई करी थी ना स्पैगेटी, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बगैर ठंडे पानी कर से जो है ना उसको करके और ऐसे ही डाल दिया था, तो उनकी मैक्रोनी जो है ना ख़राब हो गई थी। तुम्हारी ट्यूशन की हो रही छुट्टी देर से, तो तुम्हारी टीचर ने खुद कहा था कि इनका लंच दे दिया घर, मैं तुम्हें दे देती हूँ। मैं पछता रहा था कि ना मैं चिप्स नहीं लेके आया। चिप्स नहीं ले रहा हूँ तो बताओ तुम्हें निकाल के। ये देखो आप मुझे मम्मी मैक्रोनी मुझे अभी अलग से भी दे दो। तुम्हारा रक्षा आने वाला है लड़के, रक्षा जल्दी खा लो, क्या जल्दी खाओ हैं, जल्दी खाओ और अल्लाह हाफिज़ करो, हाल तुम्हारे इतने बड़े हो रहे हैं। तो बस अब हो गया था असर का टाइम, और असर की नमाज़ के बाद जहाँगीर तो चला जाएगा ट्यूशन, और इबाद को मैं खुद पढ़ाऊँगी घर में। तो यहाँ पे अभी मेरा कुछ दिल नहीं कर रहा खाने का, मेरा ना पका पका के दिल भर जाता है। तो मेरे साथ यही होता है कि जब भी मैं कुछ बनाती हूँ ना तो मैं उसके फिर 1-2 घंटे के बाद खाती हूँ, क्योंकि उसकी खुशबू से मेरा जो ना दिल भर जाता है। ये खा रहे हो? और जहांगीर को भेजने के बाद अब बस मैं जो है ना थोड़ी सी वाशिंग मशीन वगैरह लगाऊंगी, क्योंकि मैं हफ्ते में तकरीबन मेरे घर में जो है ना 3 से 4 दफ़ा लगती है। मैं वीकली जो है ना लॉन्ड्री नहीं करती हूँ, मेरे साथ ये होता है कि मैं डेली भी लगा लेती हूँ कभी कभार। और चादरों का तो ये होता है कि बेडशीट जो है ना मैं हर 2 दिन के बाद चेंज ज़रूर करती हूँ। 2 दिन या इनफ है, बस हद होती है कि 3 दिन मुझे लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन 3 दिन के बाद मैं फिर चेंज कर लेती हूँ। और बेडशीट्स का यही कि मुझे बेडशीट्स का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा मुझे जो है ना एक क्रेज जिसे कहते हैं ना, मेरा बस ये होता है कि मैं जब भी बाजार जाऊँ ना तो मैं बेडशीट ज़रूर लेकर आऊँ। हेलो, अभी जो है मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर दी है, आप लोग देख सकते हैं। तो बेडशीट वगैरह मैंने चाहिए कि मैं मशीन जो है अपनी लगाऊं, लेकिन डेली लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो बस अब मैं जा रही हूँ वॉशिंग मशीन लगाने के लिए, और मैं लॉन्ड्री करूँगी। तो मैं भी ऑटोमेटिक मशीन लेना चाह रही हूँ, लेकिन जो है ना हमारे यहाँ बोरिंग का पानी, और मुझे जो है ना सुनने में वैसी बात आई है कि भाई बोरिंग का पानी जो है ना वो ऑटोमेटिक मशीन को ख़राब कर देता है, डैमेज कर देता है। तो क्या ऐसा सच है या फिर ये कैसी कोई उड़ती हुई अफवाह है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को इस बारे में पता है, अगर आप लोग कुछ जानकारी रखते हैं, कुछ भी अगर इस तरह की कोई नॉलेज रखते हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि ऑटोमेटिक मशीन क्या बोरिंग के पानी से ख़राब हो जाती है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। मुझे जो है ना अब काफ़ी ज़्यादा जो है ना अब नीड हो रही है ऑटोमेटिक मशीन की। उठ नहीं जा रहा तो आपके मूड से चले गए, पढ़ने बैठो बात इधर।
तो बस एक छोटा सा मशवरा था जो आप लोगों से मुझे करना है था, तो अगर आप लोग भी कुछ जानते हैं इस चीज़ के बारे में तो मुझे ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या ये बात सही है या गलत है। क्योंकि एक लाजमी बात है, एक भारी अमाउंट की एक चीज़ है, कोई 200-300 रुपये या 2-3 हज़ार की तो कोई चीज़ नहीं है जो कि हम ले लें। तो फिर ये होता है कि आप जब ऐसी कोई चीज़ ले रहे होते हो तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है पहले से। जल्दी से क्या मिला है आज? पता ही नहीं है क्या मिला है, खोलो जल्दी शाबाश, जल्दी खोलो, हेलो दिखाओ, तकिया दो, लो ले लो आप, दिखाओ क्या मिला, चेक कर लो। उर्दू पढ़ा था आज? हाँ। तो यहाँ से खुलता है ना उर्दू? ये नहीं, स्टार मिला है, ये मिला है उर्दू ये। इजी है, बहुत ही ज्यादा हार्ड भी है। अच्छा आप वो निकालें पेंसिल, अच्छा पेंसिल निकालें आप, जल्दी खोलो, चलो निकालो जल्दी से। तो मुझे मशवरा करना इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि एक तो ये सुन्नत रसूल है, क्योंकि हमारे नबी भी अपने सहाबा कराम से जो है मशवरा करते थे, और मशवरा करने वाला इंसान जो है ना वो थोड़ा नुकसान से बच जाता है। क्योंकि मैंने देखा है कि अक्सर जो है ना बहुत बहुत से लोग जो बहुत बड़े बड़े डिसीजंस जो अकेले ले लेते हैं तो बाद में फिर वो पछताते भी हैं और थोड़ा सा नुकसान भी उठा लेते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा से जो है ना मैं मशवरा करती हूँ, चाहे मैं अपने बच्चों से क्यों ना करूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मैं मशवरा करूँ। उर्दू का तो इबादत से रो रो के पढ़ता है। इबादत को इंग्लिश पसंद है ना? हाँ। जल्दी से आ करो शाबाश, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमानिर्रहीम। रहमानिर्रहीम। जल्दी लो। बोले खाया है नहीं? ये हमारे पत्ता अंदर है। पत्ता नहीं है। यह पत्ता है। इबादत बेटा पत्ते वाली प्याज है, ये लो जल्दी से ले लो, अब तो जल्दी से खा लो, चलो जल्दी आ करो शाबाश। नहीं मेरा बेटा वेजिटेबल से ही, कुछ नहीं है बाहर टमाटो था। बिस्मिल्लाह, कैसी बनी है? चलो अब टाटा करो जल्दी से, मिर्ची कम है, मिर्ची कम है ना, जल्दी टाटा बाय बाय करो। टाटा बाय बाय, आई लव यू, आई लव यू। तो बस है में ना देर हो गई, ट्यूशन में कितनी देर से नहीं आया, अब मैं अल्लाह हाफिज कर लूँ। तो जहांगीर अभी ट्यूशन में है, जहांगीर अभी ट्यूशन से नहीं आए और इबाद को मैंने खाना और किया। अभी तक भी नहीं आया भाई ट्यूशन, तेता करे मैं तो बोर भी हो रहा हूँ। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज। तो आज तो इबाद को मैंने खाना वगैरह खिला दिया है और जहांगीर जो है ना अभी ट्यूशन से नहीं आए, तो बस अब जहांगीर आएंगे और मैं साथ ही फिर जहांगीर खाना खाकर और बस अब जल्दी सोने ही करूँ क्योंकि आज मुझे थकान बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आज मैं आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ, आज का व्लॉग मेरा यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।